गुड मॉर्निंग। परिष्कार कला से सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 दिसंबर, लेकिन हम इस वीडियो में 27, 28 और 29 तीनों दिनों का है वो करंट अफेयर है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अंत में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। और आप अपनी परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लेना। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप को है वो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। अंत में मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक बार 2 मिनट का क्विक रिविजन है वो देख लेते हैं फटाफट। तो चलिए, तो जल जीवन मिशन के लिए 164 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति उत्तराखंड को मिली है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाएगी। आयुष मंत्रालय ने 23 दिसंबर को 5वां सिद्ध दिवस मनाया अपना। और हाल ही में सेफ यू अंडर 19 महिला चैंपियनशिप बांग्लादेश ने जीती है। NTPC ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा के साथ साझेदारी की है। और अंतर्राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ने वाडा की मान्यता है वो प्राप्त की है। हाल ही में ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल लॉन्च अर्जुन मुंडा जी ने किया है। और कृषि प्रदर्शनी एग्रोविजन का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का सम्मान है वो दानिश सिद्दीकी को मिला है। KS सेतु माधवन का निधन हुआ है, वह मलयालम फिल्म के फिल्म निर्माता थे। तो चलिए, ये अपन ने 10 क्वेश्चन है वो देख लिए। पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन थे, लेकिन आज इस में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है? इस राज्य द्वारा किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए 3 वर्ष की कार्य योजना मंजूरी दी गई है। तो किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए है वो 3 वर्ष की योजना किस की मंजूरी है, किस राज्य के द्वारा दी गई है? तो इसका सही आंसर है अपनों राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अपनों राजस्थान। और राजस्थान के द्वारा 3 वर्ष की कार्य योजना के लिए की है मंजूरी दी गई है। और किसके लिए? किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए। तो गवर्नर अपने, तो गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। और भारत का पहला अंगदान स्मारक कहाँ है? तो वो जयपुर में है। और जयपुर को 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। और एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। BSF द्वारा सरद हवा ऑपरेशन चलाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ है? तो पाली में है। और नेशनल पार्क, तो नेशनल पार्क केवला देव रणथंबोर सरिस्का ये नेशनल पार्क है। और 52वां टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था बूंदी का रामगढ़ विषधारी, वो भी अपने राजस्थान में है। तो 53वां कहाँ हुआ था? तो गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में हुआ था। और राजस्थान अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। बायोफ्यूल लागू करने वाला पहला राज्य है। और रेडक्लिफ रेखा लगती है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 1070 रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की टोटल लंबाई 5920 है, जिनमें सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 और 89 किलोमीटर सबसे कम पंजाब के साथ है वो लगती है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी में किसे हराया है? तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी में किसे हराया है? तो ये तमिलनाडु को हराया है। किसे? तमिलनाडु को हराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु को हराया है। और ये विजय हजारे ट्रॉफी कहाँ खेली गई? तो अपने राजस्थान के जयपुर SMS स्टेडियम में खेली गई थी। और कब खेली गई थी ये? तो ये 26 दिसंबर को ये प्रतियोगिता हुई थी। और इसमें हिमाचल प्रदेश ने किसको हरा दिया? तमिलनाडु को हरा दिया। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उच्च रिजोल्यूशन वाला कैमरा उपग्रह JUAN-1 02E किसने लॉन्च किया है? तो उच्च रिजोल्यूशन कैमरे वाला उपग्रह है जिसका नाम है JUAN-1 02E, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसने लॉन्च किया है। तो चाइना ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। और ये कब लॉन्च किया है? 26 दिसंबर को लॉन्च किया है। कब किया है? 26 दिसंबर को लॉन्च किया है। तो चाइना की कैपिटल, तो बीजिंग इसकी कैपिटल है। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है। और साइनोफॉर्म यहाँ की वैक्सीन है। और मार्स रोवर का जुरोंग का मंगल ग्रह पर सफल परीक्षण इसी के द्वारा किया गया है।
और ई कचरे में ये पहले स्थान पर आता है। और हाई स्पीड मेगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किसके द्वारा किया गया, तो चीन के द्वारा किया गया। ये अपन ने चीन के बारे में फैक्ट बने वो जाने। अब प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है, तो उसमें अमेरिका पहले स्थान पर है। ब्रोहंस विनिर्माण केंद्र की नींव किसने रखी है, तो ब्रोहंस विनिर्माण केंद्र की नींव है वो राजनाथ सिंह जी ने रखी है। किसने रखी है, राजनाथ सिंह जी ने रखी है। कब रखी है, 26 दिसंबर को रखी है। और ये DRDO द्वारा संचालित की जा रही है। और कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है वो संचालित की जा रही है। और इसकी नींव किसने रखी है, राजनाथ सिंह जी ने। और किसके द्वारा संचालित की जा रही है, DRDO द्वारा। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये वाराणसी में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वाराणसी में ये प्रारंभ हुआ है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है और 27 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ है, तो 30 दिसंबर को एंड हो जाएगा। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो वहाँ के पर्यटन सांस्कृतिक मंत्री कौन है, नीलकंठ तिवारी ने इसका उद्घाटन किया। किसने, नीलकंठ तिवारी ने उद्घाटन किया। और कहाँ पर किया, वाराणसी में। तो वाराणसी कहाँ पर आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है। तो अपन उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वहाँ के सीएम आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और इसकी राजधानी लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, काला नमक चावल महोत्सव, ये यहाँ पर करंट में योजनाएं चलाई गई है। और राजकीय पशु कौन सा है इसका, तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया द्वारा कहाँ पर हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा, तो पूर्णतः भारत से निर्मित, भारत के द्वारा निर्मित ऑयल इंडिया द्वारा है वो हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया जाएगा, तो ये असम में लगाया जाएगा। कहाँ पर, असम राज्य में है वो। ऑयल इंडिया के द्वारा है निर्मित भारत का पहला, वैसे भारत का पहला नहीं लेकिन पूर्णतः भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र है वो असम राज्य में लगाया जाएगा। अब असम, तो असम की कैपिटल क्या है, तो असम की कैपिटल दिसपुर है। और सीएम कौन है, तो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम है वो नेशनल पार्क के मामले में कौन से स्थान पर आता है, तो असम नेशनल पार्क के मामले में वो तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अंडमान द्वीप समूह, और तीसरे स्थान पर ये असम आता है। और कौन कौन से, तो 7 नेशनल पार्क हैं, मानस, ओरंगा, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, ये यहाँ पर है वो नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ मेट्रो खंड का उद्घाटन किया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा है वो मेट्रो खंड का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो कानपुर में उद्घाटन है वो किया गया है। कहाँ पर, कानपुर में किया गया है 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में हुआ है। वहाँ का IIT कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह था, वहीं पर उनका, मोदी जी का है, मोदी जी ने मेट्रो खंड का उद्घाटन किया कानपुर में। तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है, तो 11वीं इंडिया हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप है वो किसने जीती है, तो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश ने जीती है। किसने जीती है, उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप है वो जीती है। और ये कब जीती है, तो ये 25 दिसंबर को जीती है। और ये कहाँ पर खेली गई थी, तो तमिलनाडु के काविलपट्टी में खेली गई थी। कहाँ, काविलपट्टी में, तमिलनाडु में खेली गई थी। और इसने हराया किसका था, तो उप विजेता कौन था, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप याद रखना। चंडीगढ़ वहाँ का उप विजेता था। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की उप विजेता थी चंडीगढ़ टीम। और जीती कौन है, तो उत्तर प्रदेश जीती है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में अपन इफेक्ट है जितने भी बनते हैं वो उसके बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो मध्य प्रदेश के नए जनसंपर्क किसे नियुक्त किया गया है, तो राघवेंद्र कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। किन्हें, राघवेंद्र कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के जनसंपर्क प्रमुख।
तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, आप सबको पता है। और सीएम कौन है? तो सीएम शिवराज सिंह चौहान है, उसे सोया स्टेट व टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ के गवर्नर तो मंगूभाई छगन भाई पटेल है। एक जिला एक शिल्प अभियान संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए नेशनल पार्क के मामले में पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और इसका बाचा गांव है, और सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस डिफेंस को किसके द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए अनुबंध मिला है? तो पारस डिफेंस को किसके द्वारा है प्रौद्योगिकी के लिए अनुबंध दिया गया है? तो ये डीआरडीओ द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा दिया गया है। इस वीडियो में, इस क्लास में आपको इधर उधर की बातें हैं वो सुनने को नहीं मिलेगी, बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि करंट अफेयर में पढ़ने में बहुत जोर आता है, लेकिन वेटेज कितना रहता है आप वीडियो के एग्जाम में देख सकते हो। 5 से 6 क्वेश्चन है वो प्रत्येक शिफ्ट में आए हैं। तो इसका सही आंसर है डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1959 में होती है, और हेडक्वार्टर वहाँ किस कहाँ पर है? तो मुंबई में है। इसरो, तो इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में इसरो की स्थापना होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया? विक्रम मिश्री को है वो नियुक्त किया गया है। तो अब विक्रम मिश्री कौन है उनके बारे में देते हैं। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उपराष्ट्रपति सुरक्षा के रूप में है वो नियुक्त किए गए हैं। तो अब देखते हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड किसे मिला है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड है वो वीरल देसाई जी को मिला है। किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वीरल देसाई जी को मिला है। कब मिला है? 28 दिसंबर को मिला है। और कहाँ पर मिला है? तो दुबई में एक प्रोग्राम था, वहीं पर इन्हें ये अवार्ड है वो दिया गया है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस राज्य द्वारा नदी उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य द्वारा नदी उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, गुजरात राज्य के द्वारा है वो नदी उत्सव अभियान है वो प्रारंभ किया गया है। अब गुजरात, तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, गवर्नर आचार्य देवव्रत है, कैपिटल गांधीनगर है, और अभी पटियाला में ये घोषणा की गई है कि वहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं उनके बारे में नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए वहाँ पर अलग से क्लासें हैं वो प्रोवाइड की जाएगी। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध, ये कहाँ पर है? सब गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। सोमेश्वर अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के बदलाव कर रही है, यह सब्सिडी कब लागू की थी? तो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है ये केंद्र सरकार इसमें कुछ बदलाव कर रही है, तो ये नीति है वो कब लागू की गई थी? तो ये पोषक तत्व आधारित नीति है वो अप्रैल 2010 में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? अप्रैल 2010 में लागू की गई थी, तो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जो करंट में आपसे मुद्दा होता है लेकिन 5-10 साल पुराना है, वो उससे फैक्ट है वो पूछ लेते हैं। नीति आयोग की चौथी द हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया में कौन शीर्ष रहा है? तो ये नीति आयोग द्वारा है वो चौथी अपनी रिपोर्ट है जिसका नाम है द हेल्थ स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 2 नंबर पर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना है, ये इस लिस्ट में रहे हैं। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2015 को की गई, और अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे हटा लिया है? तो ये प्रतिबंध किस राज्य ने हटाया है? तो ये यूएई ने हटाया है। किसने? यूएई ने है वो प्रतिबंध लगाए गए थे
वो हटा लिए हैं, और यूएई के साथ है अपना भारत FY20 में है, इस व्यापार समझौते में है, ये तीसरा सबसे बड़ा देश है। और वैसे देखा जाए तो ओवरऑल है वो अमेरिका के बाद में है व्यापार के मामले में, दूसरा नंबर है अपने भारत का आता है, तो यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हाल ही हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 कर लेना, यहाँ पे मैं PDF में सही करवा दूंगा। A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो रूस के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? रूस के द्वारा है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। मिसाइल का नाम हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5, जो 27 दिसंबर को किया गया रूस के द्वारा, रूस आंतरिक बल द्वारा है ये पहला परीक्षण किया गया था। और इसका पहला परीक्षण कब किया गया था? तो इसका पहला परीक्षण है वो 2014 में किया गया था। किसका? तो हेवी लिफ्ट रॉकेट अंगारा A5 का है वो परीक्षण, पहला 2014 में किया गया था। रूस, तो रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को है। PM मिखेल मित्सुतिन है, और राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। और मुद्रा तो रशियन रूबल यहाँ की मुद्रा है, तो आप याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर VL दत्त की पुस्तक ग्लिप्स ऑफ पायरेनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर VL दत्त की पुस्तक है जिसका नाम है ग्लिप्स ऑफ पायरेनियर्स लाइफ जर्नी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। और वेंकैया नायडू जी कौन है? तो अपने उपराष्ट्रपति जी हैं, और इनका इन्होंने 28 दिसंबर को है वो इस पुस्तक का विमोचन किया है। कहाँ पर? चेन्नई समारोह में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 दिनों का करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा लंबा चला है वीडियो, तो आप अच्छे से देखना, और आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका भी आंसर देना। कैसा वीडियो लगे उसके बारे में भी आप ज़रूर बताना, लेकिन अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। जीन मार्क वेली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जीन मार्क वेली कौन थे? ये एमी अवार्ड के विजेता थे, और इनका निधन हो गया है। ये फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता थे जीन मार्क वेली, एमी अवार्ड से सम्मानित थे, और 2009 में इन्हें ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। कब दिया गया था? 2009 में ऑस्कर अवार्ड। प्रधानमंत्री जन धन खातों में 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, यह है योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये लास्ट डोर का क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, लेकिन PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत, कल मिलते हैं, धन्यवाद।